राम राम आप सभी को। तो आप लोगों ने अभी जो मेरा वीडियो देखा वो वीडियो मेरे ऑपरेशन का बाद का है। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन का हुआ था पिछले साल। तो आज का जो वीडियो है मैं उसी के रिलेटेड बनाने वाली हूँ, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरा जो स्टोन था ना वो 2017 से था, ठीक है। और मैंने ना सारे ट्रीटमेंट्स करवाए, हेम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, और जहाँ से भी जो भी पता चलता था दवा वगैरह चलता था, लेकिन मेरा एक स्टोन था जो नहीं निकलता था। तो उस वजह से मेरे को बहुत पेन होता था, और जिस दिन पेन होता था ना, ये नहीं कि डेली डेली होता था, ऐसा नहीं है, बहुत दिन दिन के बाद वो पेन स्टार्ट होता था, लेकिन जिस दिन पेन होता था ना उस दिन मैं पूरे दिन सोई रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था मुझे। तो लास्ट मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था, और वहाँ पे गारंटी था कि निकल जाता है स्टोन। तो मैं वहाँ गई और मैंने लगभग 12 या 15 दिन का वहाँ ट्रीटमेंट मैंने करवाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करवा के देख लो कि आपका क्या, मतलब क्या सिचुएशन है। पहले मेरा स्टोन 13.2 mm का था, और मैंने फिर जब टेस्ट करवाया तो टेस्ट में रिपोर्ट आया 17.8 mm। तो अब खुद सोचो कि मतलब सब शॉक्ड हो गए कि मतलब इंसान घटने के बजाय बढ़ कैसे गया। तो ऑपरेशन नहीं करवाते थे क्योंकि घर पे सबको था कि नहीं, एज अभी छोटा है, ऑपरेशन करवाना ठीक नहीं है, तो ट्राई करते हैं कि दवा से ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने वाला चीज़ नहीं था। तो जब बढ़ा हुआ आया तो फिर घर में सब लोगों ने यही सोचा कि नहीं, अब नहीं वेट करना है, जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो अब तो चलो ऑपरेशन ही करवाना है। तो ऑपरेशन इधर उधर नहीं करवाना था, तो बेस्ट डॉक्टर के पास जाना था। तो बेस्ट डॉक्टर पता होगा कि पूरे एशिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है हैदराबाद में, AIG, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। तो हम लोग 2-3 दिन के अंदर ही वहाँ चले गए, मैं, मेरे भैया और भाभी। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है, आप पहले टेस्ट करवाओ, उसके बाद पता चलेगा कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। क्योंकि स्टोन शायद 4-5 तरह के होते हैं, जो कि कुछ कुछ होता है जो डिज़ोल्व हो जाता है और कुछ कुछ होता है जो नहीं होता है। तो मेरे ना लगभग 7-8 तरह के ब्लड टेस्ट हुए, फिर यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन। तो इन सब टेस्ट के बाद डॉक्टर ने जब मेरा रिपोर्ट देखा तो बाकी सब सारा रिपोर्ट नॉर्मल था, और एक रिपोर्ट जो था सीटी स्कैन का, उसमें मेरा जो स्टोन का साइज़ था वो था 11.3 mm। तो आप खुद सोचो, इधर का जो रिपोर्ट था वो 17.8 mm का आया था और वहाँ पे 11.3 mm का रिपोर्ट आया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये जो आपका स्टोन है वो क्रिस्टल स्टोन है, क्रिस्टल स्टोन नाम है, तो वो जो होता है वो हार्ड एज रॉक होता है, वो नहीं गलता है, तो उसको ऑपरेट करके ही निकाला जाता है। तो उन्होंने मुझे फिर डेट दिया, मेरा ऑपरेशन 20 अक्टूबर 2022 को हुआ था। तो उस दिन फिर एक रात पहले मुझे उन लोगों ने एडमिट ले लिया, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो सब करने के बाद सुबह सुबह मेरा ऑपरेशन का टाइमिंग था सुबह 8 बजे, तो 20 को मेरा ऑपरेशन के लिए मैं ऑपरेशन थिएटर में गई। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बस एक इंजेक्शन यहाँ पे, उसके बाद मेरे को कुछ भी होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं ICU में थी और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, कि लाइक होता है ना कि ऑपरेशन हुआ है, कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं था। बस इधर किडनी जिस साइड है उस साइड मेरे को पता चल रहा था कि पट्टी बांधी हुई है, बैंडेज है, और कुछ भी नहीं। और एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, कि आप उधर के डॉक्टर ना आपको कुछ भी खाने पीने से मना नहीं करते हैं, आपको सब खाने पीने देंगे। ये नहीं कि ऑपरेशन हुआ है तो अभी कुछ ऐसा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। ऑपरेशन हुआ, मुझे होश आया, उन लोगों ने मुझे इडली सांभर सब ला के दे दिया कि आप खाओ, लेकिन मैं खा नहीं पाई, और कैसे खा सकते, लेकिन वो लोग सब कुछ अच्छे से डाइट आपको देते हैं खाने के लिए।
और आपको ना बहुत ही मतलब लाइक पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा और आप बहुत हेल्दी फील करोगे। तो मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को ना बस टेस्ट में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, ऑपरेशन में मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, सब कुछ बहुत नॉर्मली बहुत अच्छे से पार हो गया। और उसके बाद मैं और 21 को और 22 को शाम को मेरा डिस्चार्ज हो गया था। तो उसके बाद वो लोग एक स्टेंट लगाते हैं, डीजे स्टेंट किडनी में, जो कि थोड़ा बहुत रह जाता है स्टोन्स वो निकलने के लिए। तो वो 1 मंथ के लिए था। और तो और ये नहीं कि बहुत सारी दवाइयाँ दे दी, नहीं, मेरे को बस 3 दवाई दी थी वो लोगों ने, एक फीवर का और एक स्टेंट पेन का और एक शायद एंटीबायोटिक। हाँ, तो बस ये 3 दवाइयाँ थी जो कि मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उधर के डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लाइक एकदम फ्रेंडली, ये नहीं कि डॉक्टर है कैसे कुछ बोलूँ, बहुत अच्छे थे सभी। और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना स्टमक रिलेटेड, तो आप लोग इधर उधर डॉक्टर के पास मत जाना, डायरेक्ट चले जाना हैदराबाद, या आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन बेस्ट जो हॉस्पिटल होते हैं ना वहीं से ट्रीटमेंट लेना। क्योंकि इससे ये होगा ना कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना वो सफ़र करने से बच जाएगी और आप बहुत हेल्दी हो जाओगे। और स्टोन जब था मेरा तो मेरा बहुत तबीयत वगैरह भी ख़राब हो जाता था, लेकिन उसके बाद से मैं एकदम हेल्दी हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हूँ और सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। अगर किडनी स्टोन से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। और अभी आप लोग इस इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद खुद देखना कि ऑपरेशन के बाद मैं कितने आराम से चल के जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।